आप सभी को मेरा नमस्कार। शब्द नहीं है जो मैं जोड़ पाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा शब्द बना है जो आज मेरी भावनाओं को, शायद उस शब्दों को अगर मैं जोड़ के अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहूँ तो शायद कोई शब्द नहीं बचा है मेरे पास, ऐसा बना ही नहीं है आज जो मुझे फील हो रहा अंदर से। बस इतना कहना चाहूँगा आप सभी महान भावों का, बहुत दूर से और बहुत कीमती समय अपना आप लोग निकाल के आज के मेरे सेलिब्रेशन में, आज के सेलिब्रेशन में, आज के प्रोग्राम में, मेरी खुशियों में आप लोग ने अपना समय, कीमती समय निकाला, सर लोगों ने भी निकाला। मैं आप सभी लोग का वाकई में सजदा अदा करना चाहूँगा तहे दिल से अपना, आज आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ झुक कर। थैंक यू। आज यहाँ शायद मेरी जिंदगी के जितने खास लोग थे सभी यहाँ मौजूद हैं, मेरी प्यारी सी टीम, मेरे प्यारे से दमदार लीडर्स, मेरी प्यारी अपलाइन, मेंटर अपलाइन, रोल मॉडल अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, मदर अपलाइन, जितने थे सारे आज मौजूद हैं आज, और मेरे परिवार के मम्मी भाई बहन, जितने अपने हमदर्द थे आज सभी लोग मौजूद हैं। बस अगर कमी है तो आज कमी इस बात की है कि आज पिताजी नहीं है मेरे, बस अफसोस है। थैंक यू। बस इस बात का अफसोस है कि आज सभी इस खुशी में शरीफ हुए हैं, लेकिन बस उनकी कमी महसूस हो रही है कि शायद अगर आज यहाँ होते तो शायद आज का प्रोग्राम, अगर शायद आज वो अगर सामने देख रहे होते तो शायद संपूर्ण हो जाता मेरा जीवन, कि आज शायद मैं कुछ कर पाया हूँ, ये जो भी हुआ है मेरे परिवार के सपोर्ट की वजह से और इस सिस्टम अपलाइन की वजह से। हर वक्त एक ही चीज महसूस होता है, कहते हैं जिस तरह घर पे छत पे, घर पे अगर चार परिवार है अगर छत ना रहे और आदमी रोड पे घूमे, रात होगा, दिन होगा, बारिश होगा, ठंडी होगा, आप उससे जाके कभी पूछना कि जिसके सर पे छत नहीं है जब बारिश आता होगा तो कैसा महसूस होता होगा, जब ठंडी लगता होगा। थैंक यू। लेकिन आज अगर सच कहूं तो इस धरती का सबसे पावरफुल चीज और सबसे ज्यादा इंस्पायर करने वाला और सबसे ज्यादा, अगर मैं सोचूं, अगर कहूं सच में कि अमीर गरीब, मिडिल क्लास, बहुत ज्यादा मध्यम गरीब और बहुत ज्यादा अमीर, पूरी संसार में अगर एक सबसे पावरफुल चीज की अगर मैं अपने दिल से बात करूं तो एक ही चीज कह सकता हूं, सबसे पावरफुल चीज मेरी जिंदगी में जो रही है वो मेरी माँ रही है। मैं चाहूंगा हर वक्त कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि जब पिताजी गए थे, जब कोई भी घर पे आता था आसपास के पड़ोस के लोग तो इतना बेकार नजर से देखते थे। अगर घर में बैठे हम 7 साल की उम्र, छोटा भाई छोटी बहन कोई भी आता था, सबसे बुरा वक्त लगता था हमको उस समय कि जब कोई भी घर पे आता था, कोई भी आ जाए दुनिया का इंसान और उसको मालूम पड़ जाए कि इस लड़के के भाई बहन छोटे छोटे हैं और माता जी और कोई नहीं है सर पे, और ऊपर से 8 लाख का कर्जा मकान का और खाने कमाने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसा तरस, ऐसा लज्जित, ऐसा बेबसी का एकदम आंख में और एकदम सकल बना के आते थे कि बेबसी की तरह मेरे घर पे, अरे अरे बच्चे का क्या होगा। वो क्षण बहुत बुरा लगता था कि जब हमारे घर में कोई आता था या हमारे बारे में कोई जानता था या पूछता था तो अब ऐसी नजर से देखता था बेबसी की, बड़ा अजीब सा लगता था, लगता था यार पता नहीं क्या हो गया है मेरी जिंदगी में कि जहां जाता हूं लोग तरस खाते हैं, तरस तरस कि बच्चे का भगवान भला कर दे। और एक जिंदगी वो थी, चल रही थी जिंदगी, कुछ खास मिल नहीं रहा था जिंदगी के अंदर, क्योंकि परिवार में मैं हूं, माता जी हैं, छोटा भाई छोटी बहन है बस। और आज माता जी भाई बहन के अलावा अगर मैं कहूं सच्चाई से
तो कोई दिखा नहीं इस पूरे 150 करोड़ की आबादी भारत की, कोई अपना नहीं दिखा जब पिताजी छोड़ के गए जो संभालने के लिए, और हमारे घर में कोई इतना योग्य नहीं था जो घर को चला सकता था। लेकिन अगर 150 करोड़ की जनसंख्या में पूरे 29 राज्यों के अंदर ना जाने कितने प्राणी रहते थे, कितने जीव रहते थे, बहुत लोग रहते थे, अच्छे अमीर बुरे सब तरह के लोग रहते थे, लेकिन इस परिवार को कोई मदद करने नहीं आया था। और जो आया था, आज मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ और ऋणी हूँ उन लोगों का, जब इस पूरे संसार में कोई मदद के लिए नहीं था, जब बिल्कुल ख़त्म था मेरा परिवार, एकदम जीरो पे थे, कुछ नहीं था खाने पहनने ओढ़ने के लिए, उस समय मेरी नानी नाना ने बहुत साथ दिया था और मेरी मौसी। मैं चाहूँगा इन लोगों के लिए एक ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। सपोर्ट मिला नानी नाना मामी मामा, और धीरे धीरे गेहूं चावल आने लगा और घर जैसे टेम्परेरी चलता था, चल रहा था। आवाज आ रही है पीछे तक? मैं आपको आज याद दिलाना चाहूंगा अपनी बात को यहां पे काट कर कि आज हम यहां पे क्यों आए हैं, आपको मालूम है? आज से तकरीबन 4 साल पहले जब इस इंडस्ट्री में मैं कदम रखा था, और हो सकता है कोई आज फॉर्म भर के भी पहली बार आया हो, ऐसे कोई है यहां पे जो फॉर्म भर के पहली बार आ गया हो? कुछ लोग हैं, मैं था। मैं आज से 4 साल पहले फॉर्म भर के मेरे मामा जी ने इनवाइट किया, और ऐसे ही एक डायमंड सेलिब्रेशन में मुझे भी बुलाया गया था, और मुझसे जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको मालूम है आज यहां पे आप क्यों हैं, तो आप इस बात से भी अनजान हैं, लेकिन मैं उस दिन अनजान नहीं था, क्योंकि जो मुझे बुलाने वाले थे आज से तकरीबन 4 साल पहले, जब बुरी स्थिति थी, कुछ नहीं था जिंदगी में, ये पट्टा सूट टूट कुछ नहीं था, उस समय केवल अंदर एक जान बची थी, उस जान को ऊपर एक शरीर था, इस शरीर को बनाने के लिए दिन रात खोज रहा था कि कुछ रास्ता मिले, और सेफ शॉट जब जिंदगी में आया, समझ में बिल्कुल नहीं आया, कुछ सब ऊपर से निकल रहा था, क्योंकि देश दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब 4 साल पहले आप ही लोग की तरह मुझे भी बुलाया गया था, और जब मैं पहली बार 4 साल पहले मेरे मामा और मेरा अपलाइन ने बुलाया, तो उन्होंने ये बात बोला था मुझसे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आज आप क्यों आए हैं, क्या मकसद है, पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम आपको, केवल मोटिवेट होने आए हैं, तो मैं ये तो नहीं जानता हूं, क्योंकि मोटिवेट होना है तो आप पिक्चर देख लीजिएगा घर पे जाके, उससे ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, एक्शन उक्शन थोड़ा घर में आ जाएगा। लेकिन मेरे मामा ने और मेरे सीनियर अपलाइन ने 4 साल पहले बुलाते वक्त एक बात बोला था कि सौरभ चौधरी, अगर तुम उस प्रोग्राम में जाते हो और वहां पे पार्टिसिपेट करते हो और वहां बैठकर पूरे प्रोग्राम को अंतिम समय तक पूरे प्रेजेंट माइंड से अगर अटेंड करते हो, तो वो वहां का दिन जो होगा, भले तुम्हारे लिए हो या ना हो, लेकिन उस दिन तुम्हारे पीठ पर इस बात का, तुम्हारे नसीब पर इस बात का मोहर लग जाएगा कि अगर वहां पे एक आदमी डायमंड बना है और उसमें तुमने पार्टिसिपेट किया है, तो उस दिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे नसीब पर मोहर लग जाएगा कि तुम भी डायमंड बन जाओगे, पक्का बन जाओगे। थैंक यू। और ऐसे ही एक डायमंड सेलिब्रेशन में मुझे भी बुलाया गया, और मैं गया आप ही की तरह, और पीछे ही बैठा था, बिल्कुल भीड़ का हिस्सा भरा था, और टी शर्ट में गया था, पहनने के लिए कुछ ढंग का कपड़ा भी नहीं था। ये मामा जी का, मामा जी हमारे रेलवे में, चाहूंगा मामा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे। थैंक यू। मामा जी रेलवे में थे, तो रेलवे में थे, पास वगैरह मिल जाता था, तो पास पे ही लटक के चला गया था, और वही डायमंड शिप था। जिंदगी में पहली बार आंखें खुली, और मेरा पता नहीं क्यों दिल्ली उस दिन से पहले जिंदगी के में क्या हो सकता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ना करना चाह रहा था, थक चुका था, क्योंकि 7 साल की उम्र से संघर्ष जब स्टार्ट हुआ था जीवन में, तो कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि 7 साल के बच्चे को, और वो भी केंद्रीय विद्यालय में 9th में पढ़ाई करते हुए, पढ़ने का बहुत शौक था, हर कुछ जीवन में ऐसा नहीं है, जीवन गरीब बचपन में पैदा हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पिताजी एक बिजनेसमैन ऑलरेडी थे सक्सेसफुल, हमारे घर में MBA टॉपर थे गाजियाबाद के, अच्छे लोग प्रोफेशन थे, जब पिताजी थे पूरा उस जिस मोहल्ले में 1990 की बात कर रहा हूं, लैंडलाइन मोबाइल अगर फोन किसी के पास आया था, तो उस पूरे गोरखपुर क्षेत्र में मेरे घर हुआ करता था। उस समय
हमारे घर में इतना कुछ था, घर में लाखों रुपए 1992 में हमारे घर में पड़ा रहता था। उस समय हमारे परिवार में जो जितनी भी बातें आज तक आपने मेरे बारे में सुना है, मैं आज तहे दिल से आपको सच्चाई बताना चाहूंगा उस बात का, क्योंकि आज तक तो अधूरी जानकारी थी, आज मैं पूरी, क्योंकि जिस दिन का इंतजार था यही था, और शायद आपको भी है, यस और नो। और बस एक चीज और प्लस करना चाहूंगा इस कहानी में कि पिक्चरों की कहानी में हीरो केवल एक होता है और उसमें विलेन होता है, लेकिन आपके अपने लाइफ में हमारे सर ने एक चीज सिखाया था, यहां पे बैठा हुआ हर एक शख्स या जितने बैठे हैं सभी हीरो और हीरोइन है, कोई यहां विलेन नहीं है, सब के सब। थैंक यू। प्लान मिला 4 साल पहले, समझ में नहीं आ रहा उस उम्र में, पिताजी जब थे तो सक्सेसफुल थे, मकान वगैरह सब कुछ था, फर्स्ट क्लास जिंदगी चल रहा था, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, जिस वीडियो गेम जो खेलते हैं लोग, हमारे घर पे दूर दूर से बच्चे आते थे खेलने के लिए, किसी के पास नहीं हुआ था वो वीडियो गेम, 30,000-30,000 रुपए का सन 2003 के अंदर हमारे घर में हुआ करता था, सब कुछ जिंदगी में था, कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या ईश्वर को मंजूर था, कुछ पता नहीं चला कि अचानक एक दिन ऐसा था कि जब मैं स्कूल से पढ़ के आया, सब जिंदगी बढ़िया चल रही थी, अच्छे से गुजर रहा था, हमारे घर में मेरी माता जी थी, चाचा चाची थी, माता जी थी, पिताजी थे, सब चल रहा था, पिताजी अपने बिजनेस करके आए, और मैं स्कूल से जब पढ़ के लौटा, 4th क्लास में था, मैं जब स्कूल से लौटा उस दिन, तो एक ऐसा दिन था 27 नवंबर 2003, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन, पता नहीं क्या ईश्वर को मंजूर था उस दिन, कि उस दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो बहुत बुरी खबर सुनने को, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो गया, अचानक से बिल्कुल जमीन नीचे से हट गया और बिल्कुल समझ में नहीं आया, सब लोग घर में रो रहा है और बाद में देख रहा हूं पिताजी तो नहीं रहे, और मरने को भी क्या कहा जाता है, मर कैसे गया आदमी, यह भी समझ उस उम्र में नहीं था, बस लोग रो रहे थे ये समझ में आ रहा था कुछ खराब हुआ है। मैं और मेरी भाई बहन किनारे बैठे हुए थे, लोग ऐसे कार्यक्रम चला खत्म, फिर जिंदगी वहां से एक नया मोड़ ली, जिंदगी में बहुत अच्छे दिन देखे थे, बहुत अच्छे, बहुत खुशियां थी परिवार में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, अच्छा चल रहा था जिंदगी में, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक झटके में 27 नवंबर 2003 में एक दिन में सब खत्म। जैसे पिताजी गए, कुछ लोन कर्जा पता नहीं कहां कहां से अचानक से आ गया, जो प्रॉपर्टी था वो भी गया, कई जगह का पता ही नहीं चला कहां चला गया सब, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद कोई संभालने वाला नहीं था, लेकिन सौभाग्यशाली था आज मैं रीढ़ी हूं, मेरे पिताजी और आज यहां बैठे हुए सबके, आज पहले एक और इंसान है जो आज वो भी दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मेरा पालन पोषण, मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी, और मैं आज उनको सच सच प्रणाम करता हूं, मेरे चाचा जी जिन्होंने मुझे, जब कोई नहीं समाप्त हो गया था तो उन्होंने कुछ दिन सहारा मेरा बना था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ 2006 जुलाई कुछ ऐसा वक्त आया कि वो भी लीड कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा घर को चला रहे थे, जितना उनसे हो पा रहा था वो भी अपना काम करके, बिजनेस करके अपने परिवार को भी चला रहे थे, मेरे परिवार को भी चला रहे थे उसी घर में रहकर, पढ़ाई बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि अगर आज मुझे कुछ आता है इंग्लिश में, हिंदी में, कुछ भी, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी आता है तो मेरे चाचा की वजह से आता है। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां मेरे चाचा जी के लिए भी। पिताजी के जाने के बाद वही सहारा बने, कुछ दिन तक चला, लेकिन दुर्भाग्य से एक वक्त ऐसा भी आया कि उनका भी साथ छूट गया, उनको भी एक बीमारी लगी और वो भी नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया उनका भी, और उनके जाने के बाद तो तहलका ऐसा मचा परिवार के अंदर कि जितनी मैंने अमीरी देखी थी, जो चांदी के बर्तन में खाया करते थे, जो भोकाल था, जो रौब था उस समय का, घमंड था अंदर, घमंड तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ, बच्चा था, साइकिल था, सब कुछ था, तो दूसरे बच्चों को दिखाता था बहुत, और अच्छे से खुल मिल के रहता था, मजा करता था, नहीं जानता था कुछ, लेकिन जैसे चाचा जी भी जब चले गए तब तो बिल्कुल विपरीत, इतना ज्यादा अनाथ की तरह लगा,
चाची जी अपना परिवार लेके किनारे वो अपने मायके चले गई, अब बचे हम और मेरी मम्मी और मेरी छोटा भाई और मैं और बहन, चार परिवार केवल बचे थे उस परिवार में। और सब लोग जितने अपने कहने वाले लोग थे, केवल इतने ही नहीं, मेरे खानदान का खानदान और बड़ा था, और भी लोग थे जो बोलते थे अपने हैं। जब पिताजी थे कमाते थे तो सब थे अपने, लेकिन जब पापा और चाचा दोनों गए तो जो अपने कहने वाले थे वो सपनों में भी अब नहीं नजर आ रहे थे, सबके सब छोड़ के भाग चुके थे, कोई ना कोई नजर, क्योंकि लोग अगर मेरे दरवाजे पे आते ना तो सबको मालूम, अगर आप लोगों में से कोई भी आता ना, सच कह रहा हूं, उस समय की स्थिति परिस्थिति इतनी डैमेज थी कि अगर आप मेरे घर में आके बैठ जाते ना, आपके घर में अगर एक आपके जेब में 1,000 रुपया भी होता ना, आप निकाल के दे के जाते हैं, तरस खा के जाते हैं। कुछ ऐसी खराब स्थिति चल रही थी, क्योंकि जब सब खत्म हो गया तो ऊपर से 8 लाख का कर्जा था मकान का। हम लोग तो अभी ये भी नहीं जानते थे, अभी तो सब सदमा लगा ही था, लेकिन कुछ दिन के बाद 6 महीना बाद एक नोटिस आया घर पे, और नोटिस में पता चला कि जिस मकान में हम अपना समझ के, अपने पिताजी का समझ के हम रह रहे हैं, वो मकान भी अपना ही नहीं है, वो भी लोन पे 8 लाख का सरकार का। और उस समय तीसरा झटका लगा कि पिताजी तो गए ही गए, लेकिन साथ में इतना बड़ा लोन, 8 लाख का लोन छोड़ के गए, और कमाने वाला कोई नहीं, समझाने वाला कोई नहीं, बताने वाला भी कोई नहीं था। पढ़ाई कर रहा था, 9th क्लास में पढ़ने बहुत शौक था, नेशनल प्लेयर तक, चेस का मैं खिलाड़ी भी रह चुका, हर चीज मेरा बेस्ट बेस्ट था, लेकिन 9th क्लास में पढ़ते वक्त स्कूल से निकाल दिया गया, केवल ये बोलकर, क्योंकि हम फीस नहीं जमा कर पाए थे। मेरे भाई बहन को स्कूल से निकाला गया था इसलिए क्योंकि फीस नहीं जमा हो पाया था। घर पे आके बैठ गए, और मम्मी से एक बात जरूर, मैं उस दिन बोला था साइकिल हीरो जुम थी, आया घर पे, और जिस मास्टर ने निकाला था गुस्सा तो बहुत तेज आया था। लोग कहते हैं कि यहाँ इंसान ही इंसान के काम आते हैं, वहां इतना उसको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्कॉलरशिप के लिए मैंने सब दिया था कि स्कॉलरशिप पे पढ़ा देगा, कुछ कुछ नहीं किया, और घर आ गया। और घर में आया तो माता जी को उसी दिन बोला, और आज भी आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन वो आया था लौट कर वापस स्कूल से, उसी दिन के बाद कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, ना विद्यालय ना कॉलेज का, घर पे आया और उसी दिन मम्मी को फाइल कर दिया था कि आज के बाद पढ़ना और ना कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख के हम देख रहे हैं ये लोग पढ़े लिखे हैं कि इंसानियत नाम की तो कोई चीज में नहीं अंदर, अब कुछ भी करना है जो भी करना है करेंगे, देखा जाएगा। घर में मैं बड़ा था, उस समय उम्र थी लगभग 10-12 साल की होगी, और जब निकाला गया स्कूल आया, लौट के आया घर पे, बोल दिया फाइल, आप कभी नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए, पैसा कितना भी आ जाए, आप नहीं पढ़ेंगे। दिमाग में एकदम सेट हो गया था कि पढ़ लिख के भी इंसान ने थोड़ी ना रहता अंदर, और आया घर पर, बोला कुछ करेंगे देखा जाएगा। वही साइकिल लेके 3 दिन निकला रहा, भ्रमण करता रहा पूरा, छोटी सी उम्र अपने दोस्तों के पास। तो वहां मेरे दोस्त के पिताजी मिले, जिन्होंने राय दिया कि मेडिकल स्टोर पे बाबू बैठो, मैं तुमको लगवा देता हूँ, 600-700 रुपया मिलेगा, वहां से कमाना, कम से कम कुछ तो खर्चा चलेगा, कुछ तो एडजस्ट होगा। वो भी ट्राई किया, दिन भर बैठ के किया, माता जी जैसे बताई फैक्ट्री में, तो सुबह अगर 9 बजे वहां बैठना होता था, शाम को लौटिए, फिर वहां रात में फैक्ट्री के अंदर जाइए, और ठंडी में वो भी जाते थे माता जी के साथ, क्योंकि दुनिया के नजर से बच के जाना रहता था, बच के, इसलिए कॉलोनी था पूरा, विकास नगर कॉलोनी मोहल्ला था, उस मोहल्ले में बहुत देखने वाले लोग थे, और एक जमाना था जब अपना दिन भी था, लेकिन जब दिन खराब हो गया तो लोग कहने के लिए भी तैयार थे, बहुत हंसने के लिए तैयार थे। तो मेरी माँ का एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज था सम्मान, वो सम्मान कभी ना जाए, इसलिए रात में हम लोग जाते थे कि जाएंगे छोटा बोट ग्लास फैक्ट्री के अंदर भरेंगे, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो 300-400 उधर से आते थे और 600 इधर, और एक वक्त आया, सबसे बुरा वक्त मैं कह सकता हूं, कि पता नहीं दिमाग में क्या ख्याल है, और एक दिन में और जॉब करने का शौक आया, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि आज के युग में बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे, बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड होंगे, तब जाके सरकार पूछती है यस और नो, तब तो हम किसी के काम आते हैं, नहीं तो ऐसे तो हम घर पे निकम्मे बैठे ही हैं। बस ऐसे चल रहा था, उस समय कुछ नहीं मिला, मेडिकल स्टोर पे भी नहीं चला, तो मेडिकल स्टोर पे कोई और आ गया, और उस मेरा काम पता नहीं उसको अच्छा नहीं लगा, शायद मैं बात नहीं कर सकता था, डील नहीं कर पा रहा था कस्टमर को, सामान कुछ ऊपर रखा था, मैं पा नहीं पाता था, तो उनको निकाल दिया वहां से, बोल रहा है थोड़ा तगड़ा हट्टा कट्टा था, फिर पूछा बताओ बताओ अगर कोई बात हो तो, अच्छा भला ही आदमी था, लेकिन फिर बता दिया कि हमको कमाने का कोई जरिया, कोई नौकरी चाहिए,
तो बोला मेरे पास से करोगे? हम बोले हाँ बताइए, अच्छे आदमी आप लग रहे हैं। फिर उसने क्या बताया, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि ये वक्त, और मेरी माँ भी नहीं सोची थी कि ये वक्त आएगा। मैं उसको घर पे सीधा लेके आया, मैं घर पे उसको लेके आया कि अच्छा आदमी है, मम्मी गेट खोली उसको बैठाई, मम्मी पूछी अंदर ले कौन है ये आदमी, तो हम बोले नौकरी नहीं दिलवाएंगे, कुछ काम दिलवाने बोल रहे हैं। तो मम्मी आई, वो बोला ठीक है तेरी तुम्हारी मम्मी से बात कर लेते हैं, और वो आए और मम्मी और हम आए बाहर, और फिर मम्मी पूछी क्या करना होगा। कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ये वक्त भी आएगा, लेकिन उसने जब जवाब दिया ये बोला कि हमारे पास टेम्पू है, टेम्पू हम चलाएंगे धर्मशाला से लेकर सुनौली तक, गोरखपुर में एक जगह है, और उसमें तुमको कुछ नहीं कहना है, बस तुमको बैठना है और चिल्लाना है कि यहां सुनौली सुनौली सुनौली, और अगर तुम बस चिल्लाओगे तो तुमका एक दिन का 45 रुपया देंगे। सच बता रहा हूं, बुरा तो बहुत लग रहा था लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा था, चलते इसको मना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और माताजी को बताया भी नहीं, चला गया एक दिन। ये बोली छोड़ दो मत करना, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो गए, हमको तो पाना है भाई, 45 रुपया आएगा कम से कम, वही तो आए दिन का। और मैं गया अपना चिल्लाना आ नहीं रहा, दुर्भाग्य से जब पहले ही दिन गया तो पहले ही दिन उस रूट पे निकला, और पहले ही दिन में मेरा दोस्त मिल गया उसी टेम्पू पे, वो ट्यूशन कोचिंग पढ़ के, मैक्सवेल कोचिंग है राजेंद्र नगर, वहां मिल गया। और वो जब मिल गया तो अब मैं कैसे चिल्लाऊं, चिल्लाऊंगा तो लटूरा जान जाएगा और मजाक उड़ाएगा फिर जाके स्कूल में। अगला स्टॉपेज पड़ा, जैसे एक जगह पड़ा, वो बैठा हुआ था, तुरंत हम कहें कि ठीक है दोस्त अभी चिल्ला नहीं रहा, मैं बैठा हूँ चुपचाप, बोल रहा है कितना भी टेम्पू वाला, मैं पीछे लटका हुआ हूँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और बोला अभी आ रहा हूँ। जैसे एक जगह था बरगदों, वहां मैं उतरा और वहीं से गायब हो गया, फिर उसको दोबारा नजर नहीं आया, वो भी गया हाथ से, फिर ढूंढा भागा भागा भागा, फिर कुछ नहीं मिल रहा था, फिर सौभाग्य रहा, फिर एक नौकरी हाथ लगी घर घर जाके फिल्टर मशीन बेचने का। हिंदुस्तान में कुछ मिले या ना मिले लेकिन बेचने का काम जरूर मिल जाता भाई, बात सही है। यस और नो? याद रखिएगा, जब भी जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला रहता है, दो ही चीज सर पे भारी होता है, या तो सरस्वती माता भारी पड़ेंगी या तो शनि महाराज घूम रहे हैं, आपको दिखेंगे नहीं लेकिन हो सकता अभी भारी पड़ सकते हैं आपके सर पे। सरस्वती पड़ गई तो कल्याण है, और अगर शनि पड़ गए तो जो है वो तो गया ही फिर आपका। एक्साइटेड है? पता चलना चाहिए कि आज से, आज का जो डेट है, इस डेट को माइंड के अंदर सेट कर लीजिए, और मेरा यहां पे कोई अलग से किसी और कहीं और की टीम नहीं आकर, ये अपनी टीम है, इस अपनी टीम में दम हो या ना हो, लेकिन मैं आप सभी से बैठे हुए सभी से वादा कर रहा हूं, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, मेरा नंबर है, किसी से भी ले लीजिए या मैं आप तक आ जाऊंगा, ये मेरी वादा रहा आपसे। लेकिन इतना जरूर वादा करता हूं आप सभी लोगों से कि यहां जितने लोग बैठे हैं इन सभी से वादा है, अगर वाकई में खून लाल है और मां ने अगर दूध पिलाया है और दो हाथ दो पैर और दिल में छेद नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से वादा करता हूं आप सभी लोगों से, आप भी अपने तरफ से कर लेना होगा, करना होगा कर लीजिएगा, वरना मैं तो करने के लिए तैयार हूं, 2 साल आपके साथ डटने के लिए तैयार हूं, यहां बैठा हुआ नीचे से लेकर ऊपर तक, टेढ़ा मेढ़ा दाएं बाएं छोटा बड़ा काला पीला जैसा जो समझते हैं अपने आप को समझ लीजिए, लेकिन यह सौरभ चौधरी का वादा है कि यहां जितने लोग बैठे हैं मैं गारंटी लेता हूं आप सबकी, जहां जाना पड़े जो करना पड़े, अगर मेरे गुरु ने यहां तक इस डायमंड का पट्टा पहनाया है, और मैं ऐसा समझता हूं कि 24 साल की उम्र में एक लड़का था भगत सिंह, अगर भगत सिंह 24 साल की उम्र में बिना मतलब का, कोई निजी स्वार्थ नहीं था, बिना मतलब का 24 साल की उम्र में देश के नाम के लिए सही हो सकता है, तो मैं आज इसी मंच से वादा कर रहा हूं आप सभी लोग से कि ये जिंदगी आप सबके डायमंड बनाने के नाम में लिखता हूं 100%।